गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, बीते 2 दिनों से हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, एक सोशल मीडिया में एक क्लिप वायरल हो रही है, एक इमेज वायरल हो रही है एक न्यूज़पेपर की, जिसमें लिखा हुआ कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, और वो बेंगलोर के न्यूज़पेपर की वो जो इमेज है वो शो हो रही है, और वहाँ के किसी कोर्ट ऑर्डर की उसमें उन्होंने जजमेंट का कोई रेफरेंस दिया है वहाँ के, उसकी वजह से ऐसा हुआ। उसको लेके मैं समझता हूँ कि अभी तक हमारी जो राष्ट्रीय एसोसिएशन है उसको आगे आना चाहिए था, और उसको अपने विचार रखने चाहिए थे, खुले मंच पर ये बताना चाहिए था कि वो इस जजमेंट से कितना सहमत है और कितना नहीं। लेकिन शायद हमेशा की तरह इस बार भी वो अपनी जिम्मेवारियाँ निभाने से चूके, और हमें फिर से एक बार आगे आना पड़ा। तो HCAP की तरफ से आज मैं यहाँ आया हुआ हूँ। मेरे साथ हमारे HCAP के लीगल एडवाइज़र पैनल में एडवोकेट हर्षदेव शास्त्री जी और एडवोकेट रोहित कुमार मुदगिल जी हैं। अक्सर हमारे साथ जब भी HCAP को ज़रूरत हुई कानूनी सहायता की, ये एक स्तंभ की तरह हमारे साथ खड़े रहे। पीछे चाहे वो हमारी काउंसिल का ड्राफ्ट, जो कमेटी बनाई गई थी, उसको भी वकील साहब ने लीड किया और एक बहुत ही बेहतरीन ड्राफ्ट हमें बना के दिया काउंसिल के लिए। तो आज भी, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं किसी कोर्ट ऑर्डर की, तो उस ऑर्डर पर अगर एक फिजियोथेरेपिस्ट कोई चर्चा करे तो मुझे लगता है वो बेमानी होगी और कहीं ना कहीं फैक्ट के साथ खिलवाड़ होगा। तो मैं आज रिक्वेस्ट करूंगा, और मैं इसीलिए आया कि इन्होंने अपना कीमती समय से मेरे को समय दिया। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि वकील साहब आप इसको बताएं, और हमारी कम्युनिटी में एक जो र्यूमर अभी क्रिएट हुआ है इस पर थोड़ा सा रोशनी डाल लें, कि बहुत सारे मन में सवाल हैं, डॉक्टर लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, जजमेंट किस तरह की है, जजमेंट में एग्जैक्टली लिखा क्या है, क्योंकि 28-30 पेज की जजमेंट है। तो हर कोई, मैं तो नहीं समझता हूँ कि अगर एडवोकेट है तो इसको इजीली पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। आम आदमी के लिए शायद इतना बड़ी जजमेंट को पढ़ के उसको सिंपलीफाई वे में समझना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। तो चलिए, ज़्यादा समय आप लोगों को ना लेते हुए सीधा मुद्दे की बात करते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा वकील साहब से, क्योंकि मैंने जजमेंट की कॉपी उनको पहले दी थी, उन्होंने पढ़ ली है, वो एक बार इसको मोटा मोटी एक्सप्लेन करें, आप लोगों को बताएं कि एग्जैक्टली क्या था। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि किस जजमेंट के आधार पर ये सब अखबार में आया, और वो क्या सही है, कितना गलत है, और उस पर जो एक्सपर्ट कमेंट होंगे वो हमारे बीच, जैसे मैंने बताया शास्त्री जी काफ़ी सीनियर एडवोकेट हैं, ये अपना एक्सपर्ट कमेंट उसमें उसमें इनपुट अपनी ऐड करेंगे हम तमाम लोगों के लिए। तो बताएं वकील साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो आप, बहुत अच्छी बात है आपकी कि आप प्रोफेशन के लिए हर टाइम स्टैंड करते हो, कोई भी परिस्थिति होती हो अपने फिजियोथेरेपिस्ट साथियों के लिए बढ़ चढ़ कर आगे रहते हो। और ये जो मुद्दा आपने बताया कि न्यूज़पेपर में ऐसी ऐसी बातें जो छपी, जो रूमर्स जो चल रहे हैं, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। अगर इसके लिए खड़े नहीं होते तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लॉस फिजियोथेरेपिस्ट प्रोफेशन का ज़रूर होता। आपने बड़ा अच्छा, मैं भी इसको कहूँगा सराहनीय कदम है आपका, कि आपने इस पे डिस्कस करने के लिए आप यहाँ आए। मैं बता देता हूँ कि ये बेंगलोर जो लोअर कोर्ट का ये फैसला है, इसके जो फैक्ट्स हैं पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी थी बेसिकली, वो डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर थी उसने उसको एडवाइज़ किया कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो और उस तरीके से वो आगे प्रोसीजर चलता भी रहा, नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन डिलीवरी के दौरान ही जब बेबी जो था वो वॉम से निकल के पेल्विक रीजन में आया, तो जो लेडी थी वो अनकॉन्शियस होने लगी थी, जिस वजह से वो जो डायरेक्शंस थी गायनोकोलॉजिस्ट की वो फॉलो नहीं कर पा रही थी। तो उस वजह से क्या हुआ, जो बेबी की जो हार्ट रेट था वो कम होने लग गया था, और जो डॉक्टर है उसने सिचुएशंस को देखते हुए, सारा जो मौका था उसके सामने, जो सिचुएशंस थी, फोर्सेप डिलीवरी उसने प्रिस्क्राइब करी और वो कंडक्ट भी करी। अब अनफॉर्चुनेटली मैं तो ये कहूँगा उस बेबी के लिए मेरी सेंपैथी है, और जो कंप्लेनेंट के लिए भी है, क्योंकि जिसका बच्चा को कोई भी दिक्कत हो जाती है, देखो बच्चा एक पेरेंट्स के लिए सबसे मूल्यवान चीज़ मेरे ख्याल से वही होती है। तो उस बेबी के जो लेफ्ट हैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई जिससे उसको एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था, तो बेबी ने डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने कहा कि कई बार हो जाता है, हो जाएगा रिकवर, तो ऐसे ही चलता रहा। तो लेकिन वो मोमेंट नहीं हो पाई ठीक तरीके से, तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया कि आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वहाँ कुछ समाधान हो सकता है। लेकिन इन बिटवीन, चाहे वो तो रीज़न बिहाइंड इट पता नहीं क्या रहा होगा, इस दौरान 5 महीने का करीब टाइम लग गया।
जब वो लेडी फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंची तो फिजियोथेरेपिस्ट ने से भी उसने एडवाइस ली कि कैसे क्या हो सकता है। तो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट उसने एडवाइस करा कि कई बार जो डिलीवरी के टाइम कई बार कुछ दिक्कत कुछ ऐसी हो जाती है वगैरह, हाँ जो भी है, कई बार जैसे फैमिली में कोई साथ में भी कुछ लोग होते हैं जो डिलीवरी के लिए लेके आते हैं, उनसे भी हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि उस टाइम कोई दिक्कत होगी होगी जिस वजह से ऐसा हुआ होगा। अब सर्टेन तो देखो कोई नहीं कर सकता, अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, उसने भी अपनी ओपिनियन ऐसे उसने दी। और उसने कहा साथ में एक बात निकल के आई कि अगर आप डिलीवरी के 10-15 दिन के अंदर अंदर आ जाते तो रिकवरी 100% इसकी हो जाती। तो अब उसको देखो अब वो बींग अ मदर उसका जो मन था उसको उस बात की ठेस पहुंची होगी कि भाई ऐसे ऐसे मैं कहीं ना कहीं मिसगाइड होगी या पता नहीं क्या हुआ होगा, जो भी सिचुएशन रही होगी। उसने गायनोकोलॉजिस्ट पे और जो वो जो हॉस्पिटल था उसके जो ओनर पे है उसको पार्टी बना के क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी कोर्ट में। अब होता क्या है कि जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई तो स्टार्टिंग में जो फिजियोथेरेपिस्ट थी, जो डॉक्टर थी फिजियोथेरेपिस्ट, उसकी भी एविडेंस रिकॉर्ड हुई, उसने अपना ओपिनियन दिया और कोर्ट ने जो फिजियोथेरेपिस्ट थी उसकी जो एविडेंस को मानते हुए समनिंग कर ली जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उसकी। लेकिन जैसे जैसे ट्रायल चला, ये 2003 की बात, दो की बात है, हाँ दो की बात है, लेकिन तो उसकी एविडेंस हुई 2019 में कोर्ट में, एविडेंस जो फिजियोथेरेपिस्ट की रिकॉर्ड हुई 2002 में, लेकिन कोर्ट में उसकी एविडेंस हुई 2019 में। तो काफ़ी डिफरेंस आ गया टाइम का, अभी इतने साल जो केस चला। तो उस दौरान क्या निकल के आता है कि जो डिफेंस काउंसिल भी होते हैं, देखो कोर्ट का प्रोसीजर एक अलग तरीके का होता है, स्टार्टिंग में एविडेंस रिकॉर्ड होगी वो अलग बात है। अब डिफेंस काउंसिल हमारा तो दोनों फेस हमारे रहते हैं, कई बार कंप्लेनेंट की तरफ से भी खड़े होते हैं, डिफेंस की तरफ से भी खड़े होते हैं, तो दोनों तरीके के बाद हमने तो अपना अपना क्लाइंट प्रोटेक्ट करना होता है, जो लॉयर की जिम्मेदारी होती है। अब उसने उससे जो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे कि क्या आपने, आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, क्या आपने कोई स्पेशलाइजेशन गायनोकोलॉजी में किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, इस तरीके की बातें निकल के आई। तो फिजियोथेरेपिस्ट थी जो उसने डिनाई कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अब बीच में मुद्दा कहीं से ये आया कि भाई कि आप डॉक्टर नहीं हैं या इस तरीके की बातें सारी आई। और बल्कि जो गायनोकोलॉजिस्ट थी उसने उस जो विटनेस हुई फिजियोथेरेपिस्ट जो हुई उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल करी कि इन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है, फॉल्स एविडेंस दिया है। तो उस पर भी इसमें कोर्ट ने ऐसा कहा है कि ऐसा कुछ फॉल्स उसने इंफॉर्मेशन नहीं दी है किसी के अगेंस्ट, क्योंकि उसने जो ओपिनियन अपनी दी वो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट दी है, ना कि एज अ गायनोकोलॉजिस्ट। और अपनी अपनी ओपिनियन देखो अकॉर्डिंग टू मी जो स्पेशलाइजेशन जिस आदमी का होता है वो अपने जो काम का वही अपना बता सकता है कि अब कोई डेंटिस्ट है वो अपने डेंटल जो प्रॉब्लम होगी उसके बारे में वही बता पाएगा, कोई ऑर्थोपेडिक्स है वो उसकी बता पाएगा, सर्जरी वाला सर्जरी वाली बता पाएगा। तो इस तरीके का जो जजमेंट है इसमें फिर आखिर में जो गायनोकोलॉजिस्ट थी उसको बरी कर दिया कोर्ट ने, जजमेंट में तो यही है। तो जो डॉक्टर लगाने का जो बात उठी कि भाई डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, उसके रिगार्ड में क्या इस जजमेंट में कोई ऐसी कुछ जजमेंट पास की है जज साहब ने, या ये सिर्फ कोरी भ्रांति है? देखिए इस जजमेंट में जो इशू था वो था कि एक तो गायनेकोलॉजिस्ट की क्रिमिनलिटी के ऊपर कि क्या उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया या नहीं किया, दूसरा इशू था कि जो गायनेकोलॉजिस्ट ने कंप्लेन की थी अगेंस्ट द फिजियोथेरेपिस्ट कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया या नहीं किया। निर्णय जज साहब का यही था अंत में कि फिजियोथेरेपिस्ट ने कोई ऑफेंस नहीं किया। शी हैज़ अ राइट टू हैव ओपिनियन, उनकी ओपिनियन थी बाय लुकिंग एट द पेशेंट, जो उसने बच्चे को ट्रीट किया कि भाई एट द टाइम ऑफ डिलीवरी देर मस्ट बी सम कॉम्प्लिकेशन एंड इट हैपन्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो उस समय वो उनकी ओपिनियन थी बट शी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लेकिन उसकी ओपिनियन थी, शी हैज़ अ राइट टू हैव दैट ओपिनियन एंड नथिंग रॉन्ग एंड नथिंग क्रिमिनल इन दैट ओपिनियन। तो वो ओपिनियन उन्होंने कोर्ट में दी, तो कोर्ट ने यही ओपिनियन दिया इस चीज़ के बारे में स्पेसिफिकली, बट वो वकील साहब ने एक्सप्लेन भी कर दी सारी की सारी
लेकिन डॉक्टर प्रिफिक्स के बारे में इस जजमेंट में कोई भी डिस्कशन जज साहब ने नहीं किया। हाँ, तो लेकिन एक छोटी सी बात कहूंगा, जो उनके कंप्लेनेंट के काउंसिल थे या जो गायनेकोलॉजिस्ट के काउंसिल थे, उन्होंने इशू जरूर रेज किया था कि भाई शी इज नॉट अ डॉक्टर, ये प्रिफिक्स भी नहीं लगा सकती। और ये जजमेंट एक पटना हाई कोर्ट के जजमेंट थी जिसका नाम था श्री सरजू प्रसाद नदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और उस जजमेंट में ये इशू थोड़ा सा डिस्कस हुआ था, क्योंकि उसके छोटे से फैक्ट्स बता देता हूँ उसमें। ऐसा है वकील साहब, कुल मिला के जो अभी तक बात निकल के आई उसमें ये है कि प्रेजेंट जो जजमेंट जो बेंगलोर कोर्ट से निकली, लोअर कोर्ट से, बेसिकली ये कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी नहीं जी जी है, ठीक बात इस है। लोअर कोर्ट की जजमेंट में ऐसा कोई फैक्ट या कोई भी फाइंडिंग नहीं है। उल्टा इन्होंने बहुत अच्छी जजमेंट दी है, मैं भी देखी है जजमेंट, उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि जो जिस फील्ड में पढ़ता है वो उसी में प्रैक्टिस करे, बिल्कुल और ये होना भी चाहिए, इसको बिल्कुल हम भी एग्री करते हैं। अगर हमने फिजियोथेरेपी पढ़ा है तो हम फिजियोथेरेपी में प्रैक्टिस करेंगे, आपने मेडिसिन पढ़ा आप मेडिसिन में प्रैक्टिस करेंगे, आप बिल्कुल लॉयर है तो आप एडवोकेशी करेंगे, अपना कोर्ट बिल्कुल में आप सही बात अपना है, सारा काम करेंगे। बिल्कुल तो वो एक बेस्ट जजमेंट है अपने आप में, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसा कोई फिजियोथेरेपी के डॉक्टर होने या ना होने का जिक्र नहीं है। दूसरी बात आती है कि जैसा वकील साहब ने अभी बताया कि डिफेंस जो उनका एक जो कंप्लेनेंट जो थी वो जो गायनाकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने भी फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर एक केस फाइल किया कि भाई इन्होंने जजमेंट इन्होंने मेरे खिलाफ कैसे गवाही दी, या कुछ भी उनकी इंटेंशन उस वक्त रही हो सकती है। और अच्छी बात देखिए आप कि कोर्ट में जज ने भी ये कहा है कि फिजियोथेरेपिस्ट को अपने राइट्स हैं अपनी ओपिनियन देने के लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो समझता हूँ जजमेंट फिजियोथेरेपी के फेवर में है। फिर बात उठती है कि फिर ये सवाल कहाँ से आया कि डॉक्टर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो उस पर जैसा कि आपने बताया कि जो उनके गायनोकोलॉजिस्ट के एडवोकेट थे उन्होंने कोई पटना हाई कोर्ट, मेरे ख्याल पटना हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट की किसी जजमेंट का हवाला दिया था। तो क्योंकि आपसे मैंने जब रिक्वेस्ट की तो मैंने आपसे ये भी पूछा था कि सर आप प्लीज़ उसको भी रीड करें, तो मैं देख पा रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे फिलहाल वो जजमेंट शायद खुली हुई जी है, जी जी तो एक बार आप प्लीज़ बताएं हमारे साथियों को कि ये जजमेंट एग्जैक्टली क्या थी, इसके क्या पॉइंट थे और इसमें एग्जैक्ट क्या था, ये कंक्लूज क्या कंक्लूजन निकला इसका। इस जजमेंट में क्या इशू था कि इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, जिसमें फिजियोथेरेपी कंप्लीटली कवर तो नहीं होती है क्योंकि नहीं वो सेपरेट फिजियोथेरेपी ब्रांच है, सेपरेट बोथ आर द ब्रांच है, सेपरेट बिल्कुल ब्रांच। इससे सेपरेट ब्रांच, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे उसमें। उन्होंने ट्रीटमेंट के साथ साथ, जो एक पटना मेडिकल कॉलेज का एक विकलांग भवन करके एक डिवीजन था, उसमें वो लोग प्रिस्क्राइब कर रहे थे मेडिसिन ऑल्सो पेशेंट्स को, अलॉन्ग विद ऑक्यूपेशन ट्रीटमेंट, तो जो ये जो तो चीज़ें गलत, कर रहे थे। ये तो गलत है। बिल्कुल डेफिनेटली वो गलत था। यही इशू उस जजमेंट में डिसाइडेड है। बेसिकली जो रेशियो है उस केस की यही है कि वेदर ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट आर अलाउड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन और नॉट, विच इज वेरी क्लियरली डिफाइंड बाय द जज। उसमें ये स्पेसिफिकली कहा है कि एरिया ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट आर मॉडर्न साइंटिफिक प्रैक्टिसनर्स, नो डिनायल कि उनकी साइंटिफिक एजुकेशन है बट मेडिसिन की एजुकेशन नहीं है। ये इशू डिसाइडेड ये था, लेकिन उसमें एक रेफरेंस जरूर था ये कहते हुए कि जज साहब ने कहा कि यू कैन नॉट क्लेम दैट यू वॉन्ट टू यूज प्रिफिक्स एज अ डॉक्टर, दैट वी बाई सर्टनली वी विल यूज दिस प्रिफिक्स एज अ डॉक्टर। उसका रीजन बाय का स्पेसिफिक किया गया क्योंकि मैं पहले भी देख चुके हैं, और हमने एक्ट के लिए भी कितना फाइट किया था, हमने खुद एक्ट बना के भी हरियाणा गवर्नमेंट में दिया था, और आज इतने सालों के आपके संघर्ष के बाद अब जाके एक्ट ऐसी स्थिति में आया कि हरियाणा में स्थिति उसके उत्पन्न हुई कि एक्ट बना है। लेकिन बहुत जगहों पर अभी तक एक्ट भी नहीं है, बहुत स्टेट्स में बिल्कुल फिजियोथेरेपी को बहुत इग्नोर किया गया है, मैं आपको स्पष्ट कहूँ। और वीडियो वीडियो के माध्यम से मैं सब जितने भी फिजियोथेरेपिस्ट को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैं कहूँगा ये संघर्ष आप जारी रखें, क्योंकि फिजियोथेरेपी एक ऐसा एसेंशियल प्रोफेशन है जिसने पेशेंट्स की बॉडी के ऊपर जो डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट और मेडिसिन थी उनको इतना रिड्यूस कर दिया है, और जो हीलिंग प्रॉपरली, वैसे तो आप ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे इफेक्ट्स ऑफ फिजियोथेरेपी, लेकिन फिर भी नॉन इंट्रूसिव मेडिसिन है इस एरिया ऑफ प्रैक्टिस, और इसका बहुत स्पेस बढ़ता जा रहा है, और हर व्यक्ति को इसकी आवश्यकता है। हम लॉयर्स हैं, हम भी सारा दिन सिटिंग का हमारा काम होता है, तो वी ऑल्सो, हमें तो फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है वैसे, बट उस जजमेंट में स्पेसिफिकली यही कहा कि एज ए राइट यू कैनॉट क्लेम इट, बट कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी कि यू कैनॉट यूज इट, बट कोर्ट ने और ये भी कहा कि लाइक रिस्पेक्ट, और इस तरीके से यूज किया जाता है एज ए कर्टसी एंड ट्रेडिशन, पेशेंट्स यूज बिकॉज यू गिव अ ट्रीटमेंट, यू आर हीलिंग द पेशेंट, तो ही हैज बाई आउट ऑफ अफेक्शन एंड बाई कर्टसी यू आर गिविंग ए ट्रीटमेंट, सो यू आर अ डॉक्टर। बस फर्क क्या रहा कि इंडियन मेडिकल काउंसिल
और जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी उनके बाय स्टैट्यूट एक्ट जो पास होने थे वो स्पेसिफिकली नहीं कर रखे। ये तो और भी डीप बात है, मैं कहूँगा जब सारे स्टेट्स में फिजियोथेरेपी काउंसिल ही नहीं है तो उनको प्रैक्टिस का राइट वो तो इतने इग्नोर रहे हैं, पूछिए मत। अगर वो इस बात का एक्ट पास कर देते हैं और मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर करवा देते हैं एज ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर, तो दे कैन ऑल्सो टू यूज एज ए डॉक्टर, वट ऑफेंस इट डज टू एनीबडी। सर बात सिर्फ ये है कि हर एक का एरिया डिफाइंड है, जो मेडिसिन की प्रैक्टिस करते हैं दे आर डॉक्टर्स ऑफ मेडिसिन, और जो जैसे जैसे पीएचडी की कहें हम डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, दे आर नॉट ट्रीटिंग एनीबडी एज सच, बट दे आर बीइंग दे आर कॉल्ड डॉक्टर्स राइटली सो, आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग। सो एज सच इन द सेम मैनर अगर फिजियोथेरेपिस्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वाई दे आर नॉट शुड नॉट बी कॉल्ड एज डॉक्टर्स, दे शुड बी। तो ऐसा कोई डिस्प्यूट ना जज की कोई डायरेक्शन है कि यूज नहीं कर सकते। ये अखबार की कटिंग में आपको मैंने जिस जो आपने मुझे दिखाई थी ये एक प्रॉपर तरीके से क्रिएट करी गई है और लिखी गई है इस तरीके से, और मेरे से ज़्यादा अच्छे से बताएंगे आप उद्देश्य क्या है इस कटिंग का, पर लिखा इस तरीके से गया है कि जो मलाइन कर रही है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को। और आप, मैं कहता हूँ आप शेयर करिए, सारे प्रोटेस्ट करिए, इस बात को फैलाइए कि जिस तरीके से अखबार ने कटिंग में छापा है कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू यूज द टर्म डॉक्टर, देर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फिजियोथेरेपिस्ट टू दैट दे कैन नॉट यूज द टर्म डॉक्टर, दे कैन नॉट prescribe modern medicine but they are the part of modern science. We are agree on that. You are point. Being educated in the same manner as a MBBS doctor is being taught. A MBBS can't prescribe exercises. Definitely. He doesn't know. This is not his area of practice. बल्कि डॉक्टर साहब शास्त्री जी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो देखो otherwise हमारे कई साथी medicines के भी डॉक्टर हैं और सब हर चीज अपनी जगह अपनी वैल्यू रखती है, बट कई मेडिसिन जो होती हैं वो भयंकर लिवर पे इफेक्ट डालती हैं। फिजियोथेरेपिस्ट तो बेसिकली प्रॉब्लम किलर्स होते हैं, मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो हीलिंग ऐसा है कि ना तो कोई कटिंग ना और कुछ, आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, यू आर गेटिंग हील्ड। ये प्रैक्टिस इग्नोर्ड थी तो कितनी बड़ी मात्रा में ऐसा हुआ कि मैं कहूंगा फार्मा कंपनियों का ये बहुत बड़ा टॉपिक है डिस्कशन का। खैर सर देखिए वो तो बहुत एक लंबी चर्चा है और अक्सर हम अपने तमाम साथियों के साथ इस तरह की चर्चाओं में जुड़े भी रहते हैं, बहुत बार हमने अपनी आवाज उठाई है और निरंतर आगे भी उठाते रहेंगे। आप लोगों का सहयोग हमेशा ही हमें मिलता भी रहा है। तो दोस्तों अभी जो मोटा माटी बात हमारे को निकल कर आई इस पूरी चर्चा से और अभी चर्चा चल ही रही है, तो इसमें जो बात समझ में आने वाली है वो सबसे नंबर एक बेंगलोर कोर्ट की जो जजमेंट, उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं। जज की ओपिनियन में जज ने इवन ये माना है कि फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो कंपिटेंट है, वो अपनी ओपिनियन रख सकता है, बट नॉट एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, और वो सही भी है। हम गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है। उसमें हमारे लिए कुछ भी गलत नहीं है। इंटेंशनली जो न्यूज़पेपर में आया है उसको इंटेंशनली मैं कहूंगा वो मेलाफाइड है, किसी ने इंटेंशनली उसको उस फैक्ट के साथ छिड़काव किया और उसको पूरा बदलने की कोशिश की गई है फिजियोथेरेपी को डीफेम करने के लिए। और इस अखबार को जितने लोग पढ़ेंगे, पेशेंट पढ़ेंगे, उन लोगों के माइंड में ये इंप्रेशन क्रिएट करने का प्रयास किया गया है कि आप जिनसे ट्रीटमेंट ले रहे हो दे आर नॉट डॉक्टर्स। व्हाई आर द न्यूज़पेपर इज ट्राइंग टू पब्लिश इन अ मैनर कि भी लोग पेशेंट्स के मन में ये भावना जाएगी डॉक्टर ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजियोथेरेपी प्रोफेशन ग्रो कर रहा है, वही कहीं ना कहीं। देखिए सर सीधी सी बात यही है कि अब लोग डायरेक्ट फिजियोथेरेपी को अप्रोच करने लगे हैं, WHO ने अलग से क्राइटेरिया डिफाइन करके दिया है फिजियोथेरेपी को। डे बाई डे हमारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फिजियोथेरेपी काउंसिल बनती जा रही हैं, उनके एक्ट बनते जा रहे हैं, और इवन वहाँ जैसे मैंने महाराष्ट्र का जिक्र किया, पीछे गुजरात का जिक्र किया, वहाँ काउंसिल के जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं फिजियोथेरेपिस्ट को, वहाँ डॉक्टर एंटाइटल के साथ उसको सर्टिफिकेट इशू करती है काउंसिल। तो इससे बेस्ट मैं समझता हूँ कि कुछ बात हो ही नहीं सकती। एक काउंसिल जो है वो क्वेसी जुडिशरी बॉडी है, और एक क्वेसी जुडिशरी बॉडी जब आपको डॉक्टर एंटाइटल कर रही है तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर बात उठती है कि जो दूसरी जजमेंट की हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी, हाई कोर्ट की, सॉरी पटना हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी, उसमें भी यही बात क्लियर निकल के आई है कि जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट थे वो मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे थे, जो कि गलत है। एक फिजियोथेरेपिस्ट अगर मेडिसिन में प्रैक्टिस करता है तो एज पर लॉ इंडिया में अभी वो लीगल नहीं है, अभी वो वैलिड नहीं है, कुछ कंट्रीज में है, और होप सो इन फ्यूचर में, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी मेडिसिन पार्ट रही है, फार्माकोलॉजी पार्ट रही है। हो सकता है कोई इस तरह की ज्यूरिडिक्शन आए, कुछ इस तरह के लीगल स्ट्रक्चर में बदलाव आए कि फिजियोथेरेपिस्ट मॉडर्न मेडिसिन भी प्रैक्टिस करें, लेकिन टिल डेट ऐसा कुछ नहीं है। फिजियोथेरेपिस्ट मॉडर्न मेडिसिन का
मॉडर्न साइंस का पार्ट है, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वी आर द मूवमेंट साइंटिस्ट, हमारा जितना भी ट्रीटमेंट है विदाउट मेडिसिन, और यही हमारे प्रोफेशन की ब्यूटी है। मैं तो मानता हूं कि ये ब्यूटीफुल बात है कि हम बिना किसी केमिकल हैजार्ड के, बिना किसी मेडिसिन के अपने लोगों को इन्हीं हाथों की मदद से ठीक करते हैं। वी आर द प्रॉब्लम किलर, नॉट ओनली पेन किलर। तो दोस्तों ये अपने आप में अच्छी बात है। फिर बात उठती है, तो क्या पटना के जो हाई कोर्ट है उन्होंने कोई ऐसी जजमेंट दी थी कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं लगा सकते? तो वकील साहब मेरे साथ हैं, वो क्लियर कहा है उसमें ऐसी कोई जजमेंट नहीं है कि डॉक्टर नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि ये डायरेक्शन नहीं है, उन्होंने कहा कि ऐसी नॉट क्लेम इट, बट ये नहीं कहा कि तुम आप लगा ही नहीं सकते। उन्होंने कहा कि क्योंकि जो एक्ट्स हैं अभी अवेलेबल, एक्ट्स के अकॉर्डिंग, एक्ट्स तो बनाने वाले कौन है, लेजिस्लेचर चुनते कौन है, हम डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट कहां से आते हैं, हम में से ही। ये तो सिर्फ फर्क ये है कि हमारा संघर्ष अभी ग्रो कर रहा है आप लोगों का स्पेसिफिकली। अगर ये और बड़े लेवल पे बढ़ता है और आप लोग अपने अधिकारों की, जैसे अभी काउंसिल के लिए डॉक्टर आर के मुद्गल आपको ढेरों बधाई है इस बात की। थैंक यू सर, आप लोगों का भी साथ रहा, तभी ये चीजें हो पाती हैं। नहीं, दिशा निर्देश तो आपके थे और संघर्ष आपका था, और आपकी जिजीविषा और संघर्ष की क्षमता को देखते हुए सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, तो ये तो बधाई की। तो दोस्तों अब जो बात निकल के आई नट सेल बात, लास्ट में भी हम यही निकल के आ रही है कि उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कोई ऐसा लेजिस्लेशन, ऐसा कोई जजमेंट या ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की कि कौन लगा सकता है कौन नहीं लगा सकता। इवन मैं देख रहा था बहुत साल पहले दैनिक भास्कर एक अखबार की प्रति मैंने देखी, उसमें साफ लिखा हुआ था और सही में लीगलिटी यही है कि यूनिवर्सिटी जो सिस्टम है हमारा उसमें UGC जिसको डॉक्टरेट डिग्री प्रोवाइड करती है, सिर्फ वही लोग अपने नाम के साथ लीगली डॉक्टर लगा सकते हैं। बाकी के जितने भी जो नाम के आगे डॉक्टर जुड़ा हुआ है वो बाय द कर्टसी है, बाय द ट्रेडिशन है। इवन MBBS भी, मैंने दैनिक भास्कर की जिस प्रति का जिक्र किया उसमें साफ लिखा हुआ था कि BDS MBBS वो लोग भी अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगा सकते क्योंकि बोथ आर द बैचलर डिग्रीज। तो आप समझिए ये एक क्लियर फैक्ट है कि जब आपके पास डॉक्टरेट डिग्री है इन इंडिया UGC सिस्टम के तहत तो ही आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। अब बात आती है कि फिर बाकी लोग कैसे लगा रहे हैं, MBBS कैसे लगा रहे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कैसे लगा रहे हैं? तो वो लगा रहे हैं बाय द कर्टसी, बाय द ट्रेडिशन, क्योंकि एज बाय द लॉ अभी कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं है। कुछ स्टेट में जहां काउंसिल है वहां जैसे मैंने बताया सर्टिफिकेट के अंदर टाइटल होके आता आपके नाम के आगे डॉक्टर एज लाइक MBBS एंड अदर प्रोफेशनल्स। तो इसमें मैं समझता हूं कि कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल है। ये मैं अभी कहूंगा कि उस न्यूज़पेपर ने मैलाफाइड इंटेंशन के साथ ये सब किया है, तो जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट साथी सुन रहे हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर किया जाए, मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए, क्योंकि हमारे साथी जो वकील साथी हैं बड़ा कीमती समय इन्होंने अपना दिया है और दोनों जजमेंटों को बिल्कुल पूरा पढ़ के सिरे से जो पूरा इन्होंने टाइम लगाया है उसका बिल्कुल क्रक्स आप लोगों को निकाल के दिया है। अब जितने लोगों तक ये मैक्सिमम आप बात पहुंचा सकते हैं वो जिम्मेवारी आपकी है और संघर्ष अभी जारी है। ये आपकी बेंगलोर के, मैं स्पेसिफिक कहूंगा वहां के जो फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन है या जो आपकी सेंट्रल एसोसिएशन है या उस स्टेट के आसपास जितने भी मेरे फिजियोथेरेपिस्ट साथी जो एक्टिवली इस तरह के जो काम करना चाहते हैं, जो लोगों को बताना चाहते हैं, क्योंकि देखिए उसने कहीं ना कहीं आपकी इमेज को डिफेम किया है न्यूज़पेपर ने, इसमें कोई शक नहीं है। उसने पब्लिक के मन में एक इंप्रेशन क्रिएट किया है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर नहीं है, जो कि टोटली गलत है और उसको चैलेंज किया जा सकता है। अब बात उठती है कि उसको चैलेंज कौन करेगा, ये एक यक्ष प्रश्न है। अब दो बातें हैं, या तो हम इसको चुपचाप सुने बर्दाश्त करें लोगों की झूठ को, या हम उस झूठ का विरोध करें और हम लोगों को बताएं कि आप सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक दो लोगों के लिखने से चीजें नहीं बदला करती हैं। लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा, जिन लोगों को हमने ठीक किया है वो एक एक आदमी इस बात की गवाही देता है कि फिजियोथेरेपी अपने आप में कितना एक, और मैं ये नहीं कहता कि बाकी प्रोफेशन नहीं है अच्छे, सारे ही हम एक टीम वर्क में काम करते हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों की सोच है जो इन दोनों को, तीनों को अपने आप में अलग करने की कोशिश करती है। अदरवाइज एक हॉस्पिटल सेटअप में एक MBBS का रोल भी अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है, एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल भी बहुत अहमियत रखता है, एक डेंटिस्ट का रोल भी बहुत अहमियत रखता है। तो मैं कहता हूँ हर एक आदमी अपने प्रोफेशन में माहिर है, अपने प्रोफेशन में दी बेस्ट है और वो अपने प्रोफेशन के लिए काम कर रहा है। लेकिन ऐसे में कुछ लोग जो बीच में आकर इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे प्रोफेशन डिफेम होता है, ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं, बिना सिर पैर के बातें होती रहती हैं। न्यूज़ की कटिंग को देखकर दो तरह की धारणाएं बनना लाजमी है, कुछ अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे, कुछ सही कहेंगे, कुछ गलत कहेंगे। लेकिन हाँ,
जब तक उसको एनालाइज ना किया जाए तब तक उस बात को मान लेना बेवकूफ़ी है, और ये बेवकूफ़ी करने के लिए हम यहाँ शायद नहीं हैं। इसीलिए आज मैं इन वकील साथियों के साथ हूँ, और इन्होंने जो अपना समय मुझे दिया, इन्होंने ये अपनी जानकारी मुझसे साझा की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा वकील साहब से कि सर, अगर वहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट, जो हमारे एक्टिव फिजियोथेरेपिस्ट हैं वॉलंटियर्स वहाँ, अगर इस अखबार की जो ये आपने जो कटिंग देखी है जो हमें डिफेम कर रही है किस्म से प्रोफेशन को, तो क्या इसके खिलाफ कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है? डेफिनेटली मैं कहूँगा कि डेफिनेटली एक लीगल नोटिस उनको भिजवाया जाना चाहिए, और या वो एक एडिशनल न्यूज़ पब्लिश करें कि जो जजमेंट थी इट वॉज सेइंग कि विटनेस उस कोर्ट की एविडेंस के लिए कंप्लेनेंट को एक कॉम्पिटेंट विटनेस एग्जामिन करवाना चाहिए था, जो डिलीवरी के स्टेटस को, डिलीवरी के प्रोसेस को डिफाइन कर सके, उसकी जज उसके बारे में ओपिनियन दे सके, जो क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट हो। लेकिन कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कॉम्पिटेंट नहीं है फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट ब्रांच जो अपना कॉम्पिटेंसी से काम कर रही है। कॉम्पिटेंट शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से प्रिंट हुई है न्यूज़, इसका उद्देश्य सिर्फ यही दिख भी यही रहा है और महसूस भी यही हो रहा है, और छापा भी इसलिए गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर्स नहीं लगा सकते। ये किसकी इंटेंशन है? जबकि मैं समझता हूँ जजमेंट तो टोटली डिफरेंट ही है, बिल्कुल केस भी अलग ही, डिसाइड ही नहीं करी कोर्ट, जजमेंट तो डिसाइड करी क्रिमिनल एक्ट। क्या फिजियोथेरेपिस्ट ने क्रिमिनल एक्ट किया? कोर्ट ने कहा बिल्कुल नहीं किया। फिजियोथेरेपिस्ट ने अपनी ओपिनियन दी इसके बारे में, और जो गायनेकोलॉजिस्ट थी उसने अपना एक्ट किया, वो उसने भी क्रिमिनल एक्ट नहीं किया कोई। तो जजमेंट में सब एक्विटेड है एक तरह से, तो जजमेंट में तो कहीं भी ये चीज नहीं है, पर छापा वो पोर्शन गया, वो नहीं दिखाया गया कि फिजियोथेरेपिस्ट डिड नॉट डू एनी क्रिमिनल एक्ट, पर छापा ये गया कि डॉक्टर्स नहीं लगा सकते, जबकि ये मैजिस्ट्रेट कोर्ट डज नॉट हैव ए राइट टू डिसाइड इट एंड डिफाइन इट। तो यानी कि बात ये है कि अगर हम जो हमारी कम्युनिटी के वहाँ के हमारे साथी हैं फिजियोथेरेपिस्ट, तो वो उनको चाहिए कि वो इसका विरोध अगर करें तो वो इसके लिए बिल्कुल और ले सकते हैं। जल्द से जल्द एक ऐसी न्यूज अखबार में छपनी चाहिए क्लैरिफिकेटरी, सो दैट ये जो मैसेज, जो हार्म इस न्यूज कटिंग ने किया है, वो हार्म ओवरकम किया जा सके, नहीं तो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन में शुड बी टेकन सो दैट इट कैन बी क्लैरिफाइड। डॉक्टर, मैं जो कॉम्पिटेंसी का जो सवाल उठा वो मैं बिल्कुल एक आम भाषा में, जो सभ्याचार की अपने आम बोली है उसमें समझाऊंगा कि कॉम्पिटेंसी का जो इस जजमेंट में बेंगलोर कोर्ट की जो जजमेंट है इसमें जिक्र आया, उसमें कॉम्पिटेंसी कोर्ट ने इस बात को लेकर निर्धारित करी है कि अगर गायनाकोलॉजिस्ट ने कोई, उससे कोई लीगल एक्ट हुआ है या उससे कोई मेडिकल नेग्लिजेंसी हुई है या इस तरीके की उसके प्रोफेशन से संबंधित कोई बात ऐसी उठी है, तो उसके लिए कॉम्पिटेंट डॉक्टर कौन है? उसके लिए कॉम्पिटेंट डॉक्टर वो है जो इक्विवेलेंट हो उसके, वो MBBS MD गायनेकोलॉजी है तो वो MBBS MD गायनेकोलॉजी हो। अब जैसे किसी कोर्ट में अगर किसी ऑर्थो ओपिनियन के बारे में कोई राय लेंगे, कोई डॉक्टर अगर वहाँ एविडेंस के लिए आता है तो ऑर्थो की एविडेंस ओपिनियन एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए कोई डॉक्टर आएगा, वो वही डॉक्टर कॉम्पिटेंट है जो ऑर्थोपेडिशियन हो। मेडिसिन वाला वहाँ पे काम नहीं करेगा, जो उसकी जो एजुकेशन जो स्ट्रक्चर्स है, जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ते हैं, जो उसके अकॉर्डिंग वो ठीक किया कि नहीं किया, इसको कौन बताएगा? फिजियोथेरेपिस्ट ही बताएगा। इसके लिए कॉम्पिटेंट विटनेस कौन है? एक फिजियोथेरेपिस्ट, ना कि एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक ऑर्थोपेडिशियन। उस सूरत में गायनेकोलॉजिस्ट को इनकॉम्पिटेंट डिक्लेयर किया जाएगा। बिल्कुल। तो देखिए दोस्तों, अब आपको उम्मीद करता हूँ ये पूरा मामला अच्छे से समझ आ गया होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो रूमर्स हमारे फिजियोथेरेपी जो इतना प्यारा प्रोफेशन है इसको डिफेम करने के लिए उठते रहते हैं, आप तमाम उनका एक्टिवली विरोध कीजिए। ये मत सोचिए कि कोई एसोसिएशन या कोई संगठन आपकी मदद में आएगा, क्योंकि अगर शायद आता तो आज़ादी के इतने सालों के बाद भी आज एक फिजियोथेरेपी, इतना जो मैं कहता हूँ वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशन है, उसको शायद यूँ जूझना ना पड़ता। कहीं ना कहीं ये कमियाँ रही हैं, और उन्हीं कमियों का खामियाजा आने वाली पीढ़ियाँ और हम लोग भुगत रहे हैं, लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होगा। उसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा, अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, और मैं समझता हूँ कि अब समय आ चुका है कि इस तरह के लोगों को जवाब दिया जाए जो लोग हमारे को लेकर गलत धारणाएं पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि जजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, कोई लीगल ऑर्डर, कोई ऐसे जजमेंट नहीं है जो ये बोलती है। जो सिंपल
बाय द लॉ ऑफ इंडिया वो है कि यूजीसी के अकॉर्डिंग जो पीएचडी होल्डर्स हैं दे कैन लीगली राइट डॉक्टर, और जो लोग मेडिसिन में प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो लोग फिजियोथेरेपी में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो तमाम लोग कल्टसी बाय द ट्रेडिशन और इन्हीं चीज़ों के आधार पे जो लोग आकर आपको डॉक्टर साहब बुलाते हैं वही एक रिस्पेक्ट वे में वही चीज़ें इंडिया में फॉलो होती आ रही हैं, क्योंकि अभी इसके लिए हमारे पास कोई एग्जैक्ट रूल रेगुलेशन फ्रेमवर्क नहीं है। जिन स्टेट में रूल रेगुलेशन फ्रेमवर्क है वहाँ ऑलरेडी लोगों को डॉक्टरल टाइटलमेंट के साथ ही सर्टिफिकेट इशू किए जा रहे हैं, और सून आगे भी देखेंगे हम जिस दिन हम अपने ड्रीम जो हमारा हरियाणा की मैं पर्टिकुलर बात करूं कि अगर काउंसिल हमारा हरियाणा में क्योंकि एक्ट पास हो चुका है और बहुत जल्द हम उम्मीद करते हैं पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होगा, और जिस दिन वो खड़ा होगा तो उसकी जो रूल रेगुलेशन होंगी उसमें भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम वो तमाम चीज़ें जो बेस्ट से बेस्ट हैं वो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट करें आप तमाम लोगों के लिए, लेकिन ज़रूरत है आपके सहयोग की आपके साथ की तो वो आपको निरंतर देते रहना पड़ेगा। जय हरियाणा, जय फिजियोथेरेपी दोस्तों, और धन्यवाद वकील साहब आप सभी का जो आप जुड़े हमारे साथ। इन्हीं के साथ आज की चर्चा समाप्त करते हैं।